ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਉਡਾਰੀਆਂ अब देखती हूँ ये अंधेपन की एक्टिंग कर रही है ये सच में अंधी है। करना आसमा आसमा क्या हुआ अरमान तुम ठीक हो ना डैडी जी ओए क्या हो गया आसमा छत से गिर गई हम लोग जल्दी चलिए ना प्लीज हाय हाय क्या हुआ इसे ये क्या हुआ छत्ते की करन गई सी लगी थी नहीं नहीं बेबी ठीक है शुक्र है रब का कुछ नहीं हुआ और ये ऊपर करने क्या गई थी और रानो कहाँ इस वक्त उसे इसके साथ होना चाहिए था सुखी बाजी ऊपर जाए जी ना वो अपनी गोंडन जीत तो उसके साथ गुरुद्वारा सा मत्था टेकन गई है जी अभी ये छत आज के आज ठीक होनी चाहिए मैंने आज ही होबी को बोल के टेम्पो घुमाया था कि पुराने कपड़े गरीबों को बांटने के लिए आसमा अगर तुम्हें दिख नहीं रहा है तुम छत पे गई क्यों थी हाँ तुम सारे कान खोल के सुन लो आसमा अपने कमरे से कल्ले बाहर नहीं निकलेगी अब कोई ना कोई इसके साथ होना चाहिए अब अगर ये देख नहीं सकती तो लेटर का भी क्या ही कर लेगी वो गत्तों से भरा ट्रक वहां कैसे खड़ा था इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है और सबसे बड़ी बात आसमा ने किसी को बताया क्यों नहीं कि उसे छत पे मैं लेकर गई थी अब देखते हो ये अंधेपन की एक्टिंग कर रही है ये सच में अंधी है मुझे लगता है ना कि अरमान अरमान ना आसमा से पीछा छुड़ाना चाहता है राजा देखा है ना तुमने कैसे मुझे देखते रहते अलिया क्या होगा हमारा राजा तुम दुखी मत हो प्लीज अब वही होगा जो हमारी किस्मत में लिखा होगा कोई रास्ता नहीं है वो लेटर मिला आसमा कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही कहीं आलिया ने ये सब पता है जब मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा तो मेरी तो जान ही निकल गई थी अरमान आसमा अगर वाकई ये हरकत आलिया ने की है तो रब दिसो मुझे खुद की परवाह नहीं है पर मैं उसकी जान ले लूंगा अरमान ऐसी कोई बात नहीं मैं हूं ना तुम्हारे सामने खड़ी हूं ना मुझे कुछ नहीं हुआ है अरमान अभी हमारे लिए सिर्फ वो लेटर ढूंढना जरूरी है वो लेटर है कहाँ उसमें क्या लिखा है ये जानना जरूरी है सिर्फ उस लेटर से पता चलेगा कि आलिया राजा के साथ क्या प्लान कर रही है प्लीज
राजा सेफ नहीं है अरमान। कौन सा लेटर? मैंने हाँ कन्नू बाहर एकम अंकल आए हैं, दाया जी आप दोनों को बुला रहे हैं। चलो हम आते हैं। अरमान प्रॉमिस मी तुम इसके बारे में कुछ नहीं सोचोगे, जो होना था सो हो गया, कोई पूछताछ नहीं कुछ नहीं, ओके? चलो प्रॉमिस। ठीक है ना पुत्र? डोंट वरी पापा, इस नई जिंदगी को जीने की कोशिश कर रही। ना मेरा बच्चा इतना ना बोल, सब कुछ ठीक हो जाना, हौसला रख। अरमान और मैं जा रहे हैं डॉक्टर के पास, कोशिश कर रहे हैं कि कोई आई डोनर मिल जाए हमें। होशियार होशियार होशियार, खबर मिली है कि पास वाले चिड़ियाघर से एक आदमखोर शेर बाहर निकला है, उसने एक आदमी के ऊपर हमला कर दिया और उसे जान से मार दिया है। सरकार की तरफ से सख्त हिदायत दी गई है, कोई भी आदमी बिना वजह के बाहर ना निकले, अगर बाहर निकला तो बेमौत मारा जाएगा। होशियार होशियार खबरदार। हेलो, हाँ आता हूँ मैं। लोग पैनिक कर रहे हैं, कहीं कोई हंगामा ना हो जाए, मुझे निकलना होगा, टीम को भी स्ट्रक करना है, डॉक्टर को भी दिखाना था। कोई बात नहीं अंकल, डॉक्टर से मैं मिलूंगा, क्योंकि उनसे आज मिलना जरूरी है, फिर वो दो तीन दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं। ठीक है पापा, प्लीज बी सेफ। हाँ पुत्र, ठीक है। अरमान तुम भी मत जाओ बाहर, बाहर जाना डेंजरस है, बाद में मिल लेना डॉक्टर से, इट्स ओके। अरे शेर जंगल में है शहर से बाहर, डोंट वरी, मेरा जाना जरूरी है, कुछ नहीं होगा मुझे। थोड़ा ध्यान से जाएगा, ध्यान रखेगा अपना, जानवर का क्या भरोसा। हाँ जी। आसमा तुम कमरे में रहना, बाहर मत आना, ठीक है? प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। ठीक है। अरमान ध्यान से पुत्र। मम्मी जी मुझे ना आलिया से कुछ बात करनी है, आलिया मुझे छोड़ देगी रूम में? ठीक है पुत्र। आलिया पुत्र थोड़ी देर बाद इसको ध्यान से रूम में छोड़ आना, ठीक है? जी मम्मी जी। क्या बात करनी है तुम्हें? आलिया अगर मैं घर पे सबको बता दूँ ना जो तुमने मेरे साथ किया है, तो तुम्हें घर में एक मिनट रहने नहीं देंगे। तुम कोई रब हो क्या कि जैसा तुम कहोगे सब मान लेंगे? बोल दूंगी तुम झूठ बोल रही हो। राजा के साथ साथ आज इस आसमा को भी निपटा देती हूँ। मजा आ रहा है ना? पता नहीं राजा कि हम दोनों अब कितने दिन और साथ रहेंगे, पर जब तक रहेंगे ना मैं वो एक एक पल तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। कितना मजा आ रहा है ना कि पूरी दुनिया नीचे और हम दोनों एकदम टॉप पे। आलिया गिर जाओगी। वैसे भी राजा अब किस बात का डर, क्योंकि बहुत जल्दी हम दोनों को इस दुनिया को तो गुड बाय बोलना है ना। आलिया मैं ना मरना नहीं चाहता, मुझे जीना है तुम्हारे साथ, हमेशा के लिए जीना है। हाँ, 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 राजा, जीना जीना तो मैं भी तुम्हारे साथ चाहती, पर तुमने शायद अरमान का जुनून नहीं देखा है। मैंने मैंने देखा है ना, इसीलिए तो, और मुझे तो नहीं लगता कि आसमा अपने आप यूं ही छत से नीचे गिर गई होगी, शायद उसे अरमान ने धक्का दिया। अच्छा हाँ, लेकिन हम दोनों ऐसा कुछ भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है? अच्छा राजा चलो ना, अभी सब कुछ भूल जाओ, इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं जहाँ बस हम दोनों हैं, ओके राजा?
चलो। जूस। राजा जूस जूस और ये पॉपकॉर्न भी। पॉपकॉर्न कहाँ रखे इसको? यहाँ पे। ये ना मुझे दे दे तू। हाँ यहाँ पे। ओके चल। चीयर्स। चीयर्स। गुड बॉय। मजा आया? चलो पॉपकॉर्न खाओ ना। पॉपकॉर्न आ लिया? मजा आ गया। ओए ओए मुझे तो तू भी दो 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 दिख रही है। आ लिया वन, आ लिया टू। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। अब राजा तुम मुझसे प्यार ही इतना करते हो कि हर जगह तुमको मैं ही दिखाई देती हूँ। तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ मैं। हाँ और हम ना मर के ना जन्नत में जाएंगे, फिर ना वहाँ कोई फरमान नहीं होगा, कोई तंग करने वाला नहीं होगा। आलिया में आलिया आलिया राजा राजा आलिया। हाँ बस आलिया आलिया क्या हुआ राजा? आलिया मुझे ना नीचे जाना है, नींद आ रही है, नींद आ रही है आलिया। मुझे मुझे नींद आ रही है आलिया। आलिया मुझे नींद आ रही है, नींद आ रही है। अब ये खेल होता है शुरू। ये अरमान और आसमा की जान जिस तोते में है, और अब ये तोता कहाँ है? ये तो कोई ढूंढ नहीं सकता। गुड जॉब आलिया, गुड जॉब। कौन है? जेठानी जी, आपके लिए एक बहुत ही बैड न्यूज है। आपका जो प्यारा देवर है ना, वो कहीं खो गया। क्या? बहुत ढूंढा मैंने उसे, पर कहीं मिले नहीं रहे। आलिया, क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या किया तुमने राजा के साथ? वाह आसमा वाह, कूद पड़ी ना तुम सीधे नतीजे पे कि ये मैंने ही किया है, तो तुम वैसे ही कूद के वहां क्यों नहीं पहुंच जाती जहां राजा है? आलिया अपनी बकवास बंद करो, बताओ कहाँ है राजा? मैं क्यों बताऊं? अरे तुम खुद पता करो ना। आलिया मेरी लाचारी का फायदा मत उठाओ। तुम मासूम ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों उसकी जान के पीछे पड़ी हो? कहाँ है वो? क्या एक ही सवाल 10 बार पूछ ले तुमने? क्या क्या किया है उसने, क्या किया है उसने? रिलैक्स आसमा, अगर सब कुछ मैंने ही तुम्हें बता दिया तो फिर तुम क्या करोगी? तुम भी कुछ काम करो और ढूंढो उसे, पता लगाओ कहाँ है वो। जाओ ढूंढो उसे, बचाओ। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ तुम्हें, अगर राजा को कुछ भी हुआ ना, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। अच्छा क्या करोगी? ओ तुम तो जाके सीधा डैडा को बताओगी। नहीं नहीं नहीं, तुम सीधा जाके कंप्लेन करोगे। एक काम करती हूँ, मैं कॉल कर लेती हूँ, क्योंकि तुम तो वैसे भी नहीं देख पाओगी, गलत नंबर ना मिला दो। नहीं
वैसे आसमा तुम फोन करके कहोगे क्या कि पापा आलिया ने राजू को किडनैप कर लिए? आई मीन तुम्हें तुम्हें हंसी नहीं आ रही है सुनके? मतलब कितना फनी नहीं लग रहा? कौन यकीन करेगा आसमा? और वैसे भी अब तो कोई तुम पे आंख बंद करके भरोसा करता ही नहीं है बेचारी। चलो ठीक है, मान लेते तुम्हारी बात। तुम मुझे मेरी चीज वापस कर दो, मैं तुम्हें बता दूंगी कि राजा कहाँ है। चीज? किस चीज की बात कर रही हो तुम? प्लीज बताओ राजा कहाँ? आसमा मेरा लेटर। तो चुपचाप बता दो कि आसमा मेरा लेटर कहाँ है, वरना कुछ पता ही ना चले। तुमने तुमने सुना ना आसमा कि हमारे मोगे में कहीं से शेर आ गया है, और ऐसे में राजा का गायब होना खतरनाक हो सकता है ना। क्यों खेल रही हो उसकी जिंदगी के साथ? ऐसी कैसी नफरत है तुम्हारी कि उस मासूम की जान के पीछे? अपना भाषण बंद करो और मुझे लेटर बताओ कहाँ रखा है तुमने। मैं 100% sure वो तुम्हारे पास है। बोलोगी? ठीक है, पर पहले बताओ राजा का। गुड आसमा, ग्रेट, तुम तो मान गए यार। ये हुई ना बात, तो चलो देर किस बात की, चलते। एक जरूरी बात, अगर अगर तुमने गलती से भी ये बात किसी को बताने के बारे में सोचा ना, तो आसमा मैं क्या सोच सकती हूं कि तुम भी नहीं सोच पाओगी। और फिर राजा, भूल जाना कि राजा तुम्हें कभी मिलेगा। अब चले। ये बताओ तुम्हें दिखता है भी या नहीं ये तुम ये ड्रामा कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? दिखाई नहीं देता है तभी तो छत से गिर गई थी ना। एक पैसे का यकीन नहीं है मुझे आसमा तुम पे। बंद करो अपना ये ड्रामा और ये नकली चश्मा। निकालो अपना ये चश्मा, निकालो इसे। क्या कर रही हो तुम्हें? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। वो कहता है ना आसमा कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तो जैसा मैं कहती हूँ चुपचाप वैसा करती रहो। राजे किधर है? आजा छेती। क्या हुआ पुत्र? मम्मी छोले भटूरे लाए हैं उसके लिए, दोनों भाई मिलके खाएंगे। बड़ी देर से तो मैंने भी नहीं देखा उसे, जा देख कमरे में होगा। अच्छा बुला के लाता हूँ मैं। हाँ। राजे अच्छी बात है ना, वो उसे संभाल भी लेती है। हाँ। मैंने चेता आया हाँ, मोटर चलानी है मैंने है? मैं परछाई जी मोटर चला के आई है, टाइम से टैंकी पे पानी चढ़ जाए। मैं आई एक मिनट, आप पियो चाहे। अरे प्लीज रोक दो गाड़ी, हम घर चलते ना वापस ना प्लीज। हाँ तू रखो अपना। मम्मी राजा को देखा कहाँ है? मतलब मिल नहीं रहा ना अपने कमरे में, और मैंने बाहर बेड़े में भी देखा, और ना ही आलिया दिख रही है। हैं? ये दोनों कहाँ चले गए भाई? हाय रब्बा, बाहर तो शेर घूम रहा है और ये यहाँ दोनों गायब हैं। चले कहाँ गए दोनों? मैंने ना आलिया भाभी को तो बाहर जाते हुए देखा था। तो राजा था उसके साथ? नहीं वो तो अकेली थी। इसका मतलब राजा अकेला है। अरमान राजा को ढूंढ पुत्र, वो बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं और हॉबी बाहर देख के आते हैं। हाँ जी देखो जी। हॉबी राजे
राजेश आलिया कहाँ जा रही हो आलिया आलिया क्या कर रही हो तुमने अब राजा को तुम खुद ढूंढ लो हाँ जाके उसको खुद ढूंढ लेना आलिया अगर शेर मिल जाए तो उसे शेरनी का सलाम बोलना आसमान आलिया क्या कर रही हो आलिया 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 आलिया